because I can't afford my scooter on my own. My mama can't drive. She is scared. I am not scared. ये भी बता तो अच्छा सा वीडियो हो जाएगा. Did you like my scooter? I love it too. सो फ्रेंड्स, आई होप जो अलीज़ा ने बोला वो आपको समझ आया हो. उसकी बहुत टाइम से हमेशा से रहता है कि मुझे रिकॉर्डिंग करनी है. तो उसका प्रोडक्ट था तो मुझे लगा मैं उसी से करा लेती हूँ. तो कुछ बातें हैं इस प्रोडक्ट के बारे में. अगर आपको इस प्रोडक्ट को अपने 4 साल के बच्चे के लिए लेना है तो आप इसको ईजिली ले सकते हैं. 3 साल के लिए नो, आई विल से, क्योंकि मेरी बेटी 4 साल की है और उसको जब ये स्कूटर जो है चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, चलाना उसको आ गया है, अच्छे से चला भी रही है. ऑलमोस्ट 1 वीक तक उसने करते करते उसको चलाने में तो फिर एक्सपर्टीज आ गई है, लेकिन टर्निंग में अभी भी उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है. टर्निंग इसमें अच्छे से, मतलब जो उसकी टेक्निक है टर्निंग की, वो अभी वो नहीं यूज़ कर पा रही है. तो अगर आप लेते हैं 4 साल के बच्चे के लिए तो इट्स ओके, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि अगर वो टर्न वर्न नहीं कर पा रहा है इजिली कि पैसा वेस्ट हो गया, बिकॉज थोड़ा सा यूज़ करते करते बच्चे को आ जाएगा. प्लस इसमें लेवल्स हैं एडजस्ट करने के हाइट को, तो आप उस हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से. एंड एज इसमें दिया हुआ है 75 kg तक ये लोड ले सकता है. मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, इट्स ओके, ये ले सकता है, लेकिन मुझे जब उसको करने में डर लग रहा है कहीं टूट ना जाए, तो इस वजह से मैं नहीं कर रही हूँ. बट एज मेंशन इट कैन टेक 75 kg ऑफ वेट. एंड उसके अलावा इसमें और तो कुछ, सब कुछ अलीज़ा ने बता ही दिया है कि जो व्हील्स हैं उसमें लाइट जलती है, पीछे जो है वो ब्रेक्स हैं. और एक चीज़ और जो मैं बताना चाहूँगी कि इसके साथ ही मैंने ये लिया हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, तो ये हेलमेट है और ये जो है वो एल्बो पैड्स, नी पैड्स हैं और ग्लव्स भी हैं. इनको लगाने के बाद थोड़ा सा स्टार्टिंग में एक्चुअली जब बच्चे पहली बार चलाएंगे, स्पेशली जो बड़े बच्चे होंगे जो काफ़ी स्पीड में चलाएंगे, तो हो सकता है कि गिरने के चांसेस हों, डिसबैलेंस हो जाए. तो अगर ये रहता है तो इट्स गुड. एक चीज़ है कि अलीज़ा के लिए ये हमें एक्चुअली लेना था स्मॉल, बाय मिस्टेक शायद जो है वो मीडियम ये हमने बुक कर दिया था. तो लेकिन जो है वो हमें इसे बर्थडे पे गिफ्ट देना था तो वापस नहीं किया हमने, उसी दिन के लिए चाहिए था तो उसको खुशी भी हुई लेके, तो इसलिए मैंने इसको रिटर्न नहीं किया है. बट अगर आप 4 साल के बच्चे के लिए लेते हैं, गो फॉर स्मॉल. मीडियम इज़ अ लिटिल बिग फॉर अ 4-year-old. एक्चुअली इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर गिफ्टिंग, स्पेशली अगर आपको अपने किसी क्लोज रिलेशन में किसी बच्चे को गिफ्ट करना है, लाइक फैमिली फ्रेंड्स एंड ऑल. तो इसका रेट जो है वो 3000 है. इट्स गुड और एक अच्छा प्रोडक्ट है, लंबा चलने वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि ये जिस ब्रांड का है आर फॉर रैबिट, तो उसकी मैंने अलीज़ा की साइकिल ली थी जिसको यूज़ करते हुए मुझे 3 साल हो गए हैं. बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब बढ़िया चल रही है वो साइकिल, अभी तक चल रही है. तो एक अच्छे ब्रांड का सामान अगर थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन अगर आप गिफ्ट देंगे किसी को तो वो हमेशा के लिए याद रहता है बच्चे को. तो दैट्स इट फॉर अबाउट दिस प्रोडक्ट. इसमें और कुछ बताने को है नहीं ज़्यादा. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियोज. एंड यस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करके जाइएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.